इसका पन्हा जो है 35 है और कपड़ा जो है ये 220 कपड़ा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ यूनिक फैशन। दोस्तों आज हम कर रहे हैं मीडियम फिटिंग शर्ट की कटिंग। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाप आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। पहले देखिए हम इसको ऐसे ऐसे पतले में हमको ये फोल्ड करना है। इसमें देखिए दोस्तों जो है ये आधा पौना इंच की इसमें जो है ये कोर है, इस कोर को भी हमको निकालना पड़ेगा। पहले दोस्तों देखिए हम एक निशान पहले ऐसे लगाएंगे ये, और आधा इंच का एक निशान ये लगाएंगे। इसके बाद हम देखिए यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से लंबाई देखिए हमारी 28 है, इसमें आधा इंच दाब बढ़ा के 28.5 पे हम निशान लगा लेंगे। अब हम देखिए इस कोर से ये जो कोर है ये यहाँ से हम जो है 1.25 इंच हम रखेंगे, 1.25 इंच की पट्टी रहेगी और आधा इंच अंदर दाब चला जाएगा। ये 1.25 इंच पे हम इसको ऐसे निशान लगा लेंगे। इस निशान से 1.25, यहाँ भी 1.25। अब देखिए हम सारे निशान को सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये सीधा हो गया। अब इसको इसी सीधे वाले निशान से हमको ऊपर वाले निशान पे ऐसे सीधा कर लेना है। अब देखिए पहले हम इसका गले का जो है निशान लगाएंगे। गला देखिए जो है इसका 17 है, ये पांचवा भाग रहेगा तो 3.5 में एक सूत कम आएगा। हम 3.5 में एक सूत कम पे निशान लगा दिए हैं। अब कंधा देखिए 18 है, 9 × 18 9 इंच आएगा। इसमें दाब बढ़ा के 3 सूत हम दाब बढ़ाएंगे, इसमें 3 सूत बढ़ा के 9 इंच 3 सूत पे हम ये निशान लगा लेंगे। और देखिए इस निशान से हम यहाँ पे 2 इंच नॉर्मल साइज़ में डाउन करेंगे शोल्डर। और आर्मोल का हम निशान लगाएंगे। आर्मोल का निशान देखिए इसका चौथाई पहले करेंगे। सीना देखिए 41 है, इसका चौथाई करेंगे 10.25 इंच आएगा। इसमें हम 1 इंच माइनस करके 9.25 इंच पे हम इसको निशान लगा देंगे। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे सीधा कर लेंगे और इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे और इसको हम ऐसे मिला लेंगे। देखिए ऐसे मिला लिए। अब देखिए हम यहाँ से 2.5 इंच हम इसको डाउन करके हम ऐसे निशान लगा लेंगे ऐसे। अब हम इसकी लूजिंग रखेंगे। देखिए सीना 41 है, इसका चौथाई करेंगे 10.25 इंच आएगा। और इसमें मीडियम फिटिंग है तो इसको 2 इंच लूज पे 2 इंच बढ़ा के हम देखिए ये निशान लगा दिए। पेट हमारा देखिए 40.5 है तो पेट का देखिए जो है लंबाई का हाफ करके उसको 2 इंच डाउन कर देंगे। लंबाई देखिए हमारी 28 है, 14 × 2 = 16। यहाँ पर जो है हम पेट का निशान रहेगा। पेट हमारा 40.5 है तो इसका चौथाई करेंगे 10 इंच 1 सूत आएगा। 10 इंच 1 सूत पे हम ऐसे निशान लगा के 2 इंच इसमें दाब रख के लूजिंग का हम निशान लगा लेंगे। हिप हमारी देखिए 42 है। हिप देखिए हमको यहाँ से 2 इंच ऊपर निशान लगाना है। हिप 42 इसका चौथाई करेंगे 10.5 इंच आएगा और इसमें 2 इंच दाब बढ़ा के हम निशान लगा देंगे। ये 12.5 आ गया। अब देखिए हम सारे निशान को मिला लेंगे।
इसको देखिए ऐसे हम मिला लेंगे, ऐसे ऐसे हम मिला लिए। हम इसको देखिए आधा इंच अंदर, इसको अंदर लेके इसको ऐसे निशान लगा लेंगे और इसको ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हम इसे पॉकेट का निशान लगा देते हैं। पॉकेट देखिए हम ऊपर वाले निशान से 8.5 इंच नीचे पॉकेट का निशान रहेगा और यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान रहेगा। पॉकेट का मुंह हम 5 इंच रखेंगे और पॉकेट की गहराई हम 6.5 इंच रखेंगे। अब हम पॉकेट का डिज़ाइन हम ऐसे बना लेंगे। ये देखिए हो गया ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। आपको गोल पॉकेट रखना है गोल रख लीजिए, हमको जो है इस कट में हमको रखना है। हम ऐसे निशान लगा ले रहे हैं। देखिए यहाँ से हमको 2 इंच हम इसकी राउंडिंग करेंगे। राउंडिंग देखिए हम हाथ से भी कर सकते हैं, स्केल से भी कर सकते हैं। देखिए हम हाथ से देखिए ये ऐसे कर ले रहे हैं। देखिए ये फ्रंट का निशान देखिए हमारा ये पूरा हो गया है। अब हम चलिए इसकी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों देखिए ये इसको हम 2.25 इंच रखे हैं तो इसमें हम 1.25 इंच रखेंगे, तो हम इसको 1/2 इंच और छोटा कर ले रहे हैं। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ से थोड़ा 1/2 इंच ऊपर ही हम पहले काटेंगे। फ्रंट देखिए हमारा कट गया है। हम अब बैक की कटिंग करेंगे। देखिए बैक की कटिंग हमको कैसे करना है। देखिए बैक पहले हम इसको उठाएंगे। पहले हम देखिए फ्रंट को ऐसे नापेंगे। फ्रंट ये देखिए हमारा यहाँ 12.25 है। जहाँ ज़्यादा होगा उसी हिसाब से रखाएगा। ये 12.5 है तो हम 12.5 इंच हम बैक रखेंगे। 1/2 से 1.25 इंच जो है बैक छोटी काटी जाती है। ये देखिए ऐसे हो गया। अब हम इसको ऐसे उठा के इसको ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए 1/2 इंच ये हमारी बैग छोटी रहेगी। देखिए पहले हम यहाँ पे ये ऐसे निशान लगा लेंगे और हमको यहाँ से 1/4 इंच 1.5 इंच ऐसे डाउन करना है। 1.5 इंच पे देखिए हम इसको ऐसे एक निशान लगा के हम इसको देखिए ऐसे इसको ऐसे निशान लगा लेंगे। और शोल्डर हमारा 18 है तो 9 इंच आएगा। इसका आधा करेंगे 9 और इसमें 2 सूत दाब बढ़ा के 9.25 पे हम ऐसे निशान लगा देंगे और इसको ऐसे सीधा है हमको ऐसे निशान लगाना है। लगा के इसको हम ऐसे मिला लेंगे ऐसे। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं।
दोस्तों देखिए फ्रंट और ये हमारा बैक कट गया है। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हम इसको ऐसे खोलेंगे, खोल के पहले इसका मोढ़ा ये नाप लेंगे कितना है ये। यहाँ से देखिए ऐसे नापते हुए हम जाएंगे, 10 इंच में एक सूत कम, ये 19 इंच ये हो गया, और 3 इंच इसमें और हम बढ़ाएंगे, 3.5 इंच 19, और ये 22.5 इंच, 22.5 इंच, 22 इंच हमको आस्तीन चाहिए, 22.5 इंच आ रहा है, 22 इंच की हमको आस्तीन का मोटा चाहिए। दोस्तों देखिए हमें 9.25 इंच पे निशान लगाया था, लेकिन हम आस्तीन पहले 9.5 पे हम रख के पहले हम चेक करेंगे। इसको हम ऐसे क्रॉस करके पहले हम चेक करेंगे। देखिए आस्तीन हमारी 24.5 है, 24.5 में हम 0.25 इंच बढ़ा के 25.25 पे हम यहाँ से ऐसे चेक करेंगे। देखिए अब हम इसको निशान कैसे लगा रहे हैं, पहले हम यहाँ पे एक ऐसे निशान लगाएंगे, देखिए ये, और यहाँ से 4.5 इंच पे एक पहले निशान लगाएंगे, 4.5, और इसी ऊपर वाले निशान से 24.5 इंच आस्तीन है, इसमें 0.25 इंच बढ़ा के 25.25 पे इंची टेप को ऐसे रखेंगे, और यहाँ पर देखिए 2.5 इंच की कफ है, तो इसमें 0.5 इंच की ये 2.5 इंच ये कफ हो गई, 0.5 इंच का इसमें सिलाई, ये 2 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे, और इसकी हम लूजिंग देखिए 6.25 इंच पे हम रखेंगे, हमारा इसी में कफ हो जाएगा और इसी में प्लेट हो जाएगा ये ऐसे। अब देखिए हम इसको ये ऐसे रख के हम इसका निशान पहले ऐसे लगा लेंगे एक। अब देखिए इसको हम ये ऐसे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए हम ऐसे चेक करेंगे कितना हमारा आया है, यहाँ से देखिए ये एकदम ठीक 22 इंच आ रहा है, ये हमारा एकदम सही आस्तीन आ जाएगी। दोस्तों प्लेट की आस्तीन कटिंग कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब दूसरी आस्तीन की कर देते हैं। चलिए अब हम दूसरी आस्तीन भी कटिंग कर देते हैं।
दोस्तों देखिए दूसरी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब चलिए हम शोल्डर की कटिंग कर देते हैं। शोल्डर देखिए हमारा 18 है तो 9.5 इंच हम देखिए होल्ड इसको कर लिए हैं। ये वाले निशान से हम पहले 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये वाले निशान से 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ भी 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इस निशान को देखिए इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। फ्रंट में हमने जितना रखा था उतना हमने बैक में रखेंगे। 3 इंच 3 सूत पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे और इसको ऐसे राउंड कर लेंगे। और देखिए यहाँ से इसको हम 9 इंच 3 सूत रखे थे, 9 इंच 3 सूत यहाँ पे 9 इंच 2 सूत रखेंगे। एक सूत कम करके बैक भी हमने 1 सूत कम रखी थी। और देखिए इसको यहाँ से और इसको यहाँ हम इसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे। देखिए हमारे शोल्डर का मार्किंग हो गई। चलिए हम शोल्डर अब कटिंग कर देते हैं। शोल्डर की कटिंग देखिए दोस्तों हमारी हो गई। शर्ट की कटिंग हमारी देखिए पूरी हो गई है। शर्ट की कटिंग हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।